سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرمين محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह कल प्यारा आका अलैहिस्सलाम की औलादे पाक का हमने मुफस्सल ईमान अफरोज जिक्र सुनने की अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करने की हमें सआदत मिली थी, जिसमें हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम का जिक्र हुआ था और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी सैयदा फातिमा जहरा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, इनका जिक्र बाकी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिक्र पाक करने की सआदत हासिल होगी। अल्लाह ताला आपके सदके हम सब की बख्शिश और मगफरत फरमाए, हम सबको अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सय्यिदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की विलादत कब हुई है तो मशहूर ये है, एक कौल ये है 41वें साल जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफा 41 साल 41 ईयर्स यानी ऐलान नबूवत के 1 साल के बाद इनकी विलादत हुई है। एक तो कॉल ये है, दूसरा कॉल ये है कि इनकी विलादत इजहार नबूवत से पहले हुई है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो निकाह मुबारक है 25 साल की उम्र में हुआ, तो ऐलान नबूवत से बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड 15 साल का गैप है। तो एक कॉल ये कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तमाम बच्चों की विलादत जो है ये 40 इयर्स की उम्र से पहले हुई है, और एक ही है जिनकी बाद में हुई है वो हजरत इब्राहिम है जिनकी विलादत मदीने पाक में हुई है। मेरा बीवी फातिमा ज़हरा के मुतालिक एक कॉल है कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्र 41 ईयर्स थी जब आपकी विलादत हुई है, इसका मतलब जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया तो आपकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, और तकरीबन 22-23 साल की उम्र में बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ। और एक कॉल के मुताबिक आपकी विलादत जो है इजहार नबूवत से 5 साल पहले, यानी जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 35 ईयर्स थी जब आपकी विलादत हुई, और यही मशहूर तरीन बात है क्योंकि कॉल यही है। सारे उलमा ने यही कहा कि सब बच्चों की विलादत ऐलान नबूवत से पहले हुई है और एक ही है जिनकी विलादत मदीने पाक में हुई है। बहरहाल इन दोनों बातों का खुलासा यह है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी की विलादत या तो जब आपकी उम्र 41 ईयर्स थी जब हुई है या 35 ईयर्स थी जब आपकी विलादत हुई है, और इन दोनों बातों को अगर समराइज कर लिया जाए तो उससे अंदाजा होता है बीवी फातिमा ज़हरा जो इमाम हुसैन की वालदा है उनकी उम्र या तो 22 साल थी या 28 साल थी। सिर्फ 22 साल जिंदगी उन्होंने इस जहां में गुजारी है, 22 साल जिंदगी है या 28 साल जिंदगी है। और अल्लाह ताला ने बीवी फातिमा ज़हरा को मर्तबा कैसा अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने कैसे दो अजीम शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन
इस अजीम खातून को अता फरमाए और उनके जिंदगी का दौरान कितना उनको मिला है, सिर्फ 22 साल या 28 साल। अब इनके मुख्तलिफ नाम है, मशहूर तो नाम इनका फातिमा है और इनका नाम फातिमा ही है, लेकिन कई नामों से ये पहचानी जाती है, कई नामों से मशहूर है। फातिमा अरबी जबान में फातिमा का माना आता है दूध छुड़ाने की उम्र, बच्चे जब दूध पीते हैं दूध छुड़ा देना, तो फातिमा को फातिमा इसीलिए कहा जाता है, ये ऐसा प्यारा नाम है, कहते हैं रसूल पाक की शहजादी का। इसका लिंग्विस्टिकली आप कहें कि डिक्शनरी में तो माना ये मतलब दूध छुड़ाना, लेकिन इसका असल में माना ये दूध छुड़ाने से मुराद कि वो अजीम खातून है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला कईयों को जहन्नम से छुड़ा देता, कि इनके मुहिबीन को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद रखेगा। जिस तरह दूध छुड़ा दिया जाता है, बच्चा 2 साल का होता है, दूध छुड़ाने की उम्र आती है, तो ये वो अजीम खातून है कि जिसके चाहने वालों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद रखेगा, इसीलिए इनका नाम फातिमा है। दूसरा नाम इनका बतूल है। बतूल क्यों है? बतूल कहते हैं कि पूरे जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा फजीलत इनकी है, उन चंद औरतों में है, हर एतबार से फजीलत है, दीन के एतबार से देखें उसमें बहुत इनका आला मकाम है, हुस्न व जमाल में इनका बहुत, खूबसूरती में इनका आला मकाम है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और हुस्न और जमाल वाले इनको बनाया था, वो आगे जब बातें आएंगी तो मैं आपकी खिदमत पर अर्ज करूंगा। तीसरा पॉइंट, इंशाल्लाह आज की नशिस्त में बीवी फातिमा ज़हरा का जिक्र होगा और तकरीबन 25 पॉइंट्स मेरे जहन में है कि ये मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह बयान करूंगा। 2 बातें हुई, तीसरा पॉइंट आज का, ये पहला नाम फातिमा, दूसरा नाम बतूल, दूसरा नाम क्या समझकर कह दे बतूल, और तीसरा नाम है ज़हरा, तीसरा नाम है ज़हरा। तो ज़हरा, ज़हरा को कहते हैं कली को, खिलखिलाने को, जैसे गुलशन में बागीचे में कली हो, उसकी खुशबू पूरे जो है बाग को महका रही हो, तो ज़हरा कहते हैं कली को। तो इस बिना पर आपको ज़हरा इसलिए भी कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इस वजह से आपको ज़हरा कहा जाता है, फातिमा ज़हरा। और फिर चौथा पॉइंट, आपको ज़किया भी कहते हैं, रादिया भी कहते हैं। ज़किया कहते हैं ज़हीन, पाकीज़ा, क्योंकि अपने जमाने की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा पाकीज़ा थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा इनकी रिजेंबलेंस थी, बहुत ज्यादा मुशाबहत थी, वो मैं आगे रेफरेंस आपके सामने जिक्र करूंगा। तो इसी वजह से आपको ज़किया और रादिया, अल्लाह ताला को बहुत राजी करने वाली थी, अल्लाह ताला को कैसा राजी करती थी वो भी आगे इंशाल्लाह आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ नाम आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ज़किया भी नाम है, रादिया भी नाम है, और ये 5 बातें हैं। मेरा आला इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर में इसको यूं बयान फरमाया सलातो सलाम में, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये सैयदा भी है, सरदार है, रसूल पाक की शहजादी है, ज़ाहिरा है, कली है, खूबसूरत है, तैयबा है, पाकीज़ा है। ये लफ्ज तैयबा पर पूरी गुफ्तगू हो सकती है, यानी दुनिया भर में जब भी ख्वातीन को यानी बुलूगत की उम्र को पहुंचती है, वहां उम्र आती है 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल, इस उम्र में औरत के जिस्म की सफाई होती है और वो जिस्म से खून निकलता है, एक्सक्रीशन ऑफ ब्लड, वो वेस्टेज होता है, जिस्म से निकलता है, उससे औरत के जिस्म की जो है नशो नुमा होती है, और जब बच्चे की विलादत होती है वो खून रुक जाता है, वो खून फिर अंदर जो है बच्चे की उसमें नरिशमेंट में काम आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पाकीज़ा घराने को ऐसा नूर वाला घराना बनाया है कि इनके जिस्म से ये खून का है तो खातून, लेकिन मैसेज कैसे हो, अल्लाह ताला ने बगैर किसी जो है इनके जिस्म में ये गलाजत का ये मामला ही नहीं, बिल्कुल सुथरा तैयब ताहिर पाकीज़ा खुशबूदार इनके जिस्म में मामला ही नहीं है, यानी मिरेक्युलस बॉडी है। दुनिया में कोई ऐसी खातून हो नहीं सकती है कि जिसके यहाँ खून ना आता हो, खून ना आना जो है बच्चे की विलादत की अलामत होती है या बीमारी की अलामत होती है, इनके यहाँ बीमारी तो नहीं है, और शादी से पहले ऐसा क्या मामला है, तो आप समझे किस तरह ये पाकीज़ा है। पुराने पाक में पूरा आयत है, कभी मौका लगेगा तो उस आयत पर मैं गुफ्तगू करूंगा। लियूज़िबान को मुरिस्सा, अल्लाह ताला ने इस घराने से अहले बैत से गंदगी को दूर कर दिया, वो युताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ताला ने इस घर को इस घराने को पाकीज़ा बनाया है, प्योरिटी इनके घर का हिस्सा है, ऐसे पाक लोग हैं, ऐसे पाकीज़ा लोग हैं। तो इसीलिए आपको आला ने फरमाया सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, रसूल पाक की जान की ये राहत है, रसूल पाक को आपको देखकर सुकून मिलता है,
करार मिलता है, पीस और सुकून हासिल होता है। आज की गुफ्तगु का छठा पॉइंट, क्या शान है, दुनिया में लोग जो हैं अपने पीर का हाथ चूमते हैं, लोग अपने पीर का हाथ चूमते हैं, मुरीद के लिए अपने पीर का हाथ बड़ा जो है वो दस्ते शफकत है, बरकतों का है। अगर कोई नेक आदमी हो, आलिम दीन हो, बुजुर्ग हो, मुत्तकी परहेज़गार हो, तो क्या ही सादत की बात है उसकी खिदमत करने की। नंबर एक। नंबर दो, औलाद के लिए अपने माँ बाप की कदम बोसी बहुत बड़ी सादत की बात है, हाथ चूमना बहुत बड़ी सादत की बात है। अब चूंकि यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग हैं जो उर्दू समझते हैं, तो हो सकता है कि मैं आसान तो करता हूँ, कुछ लोग इंग्लिश भी आते हैं तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी मैं बात कर लेता हूँ, और जुमे की तकरीर भी इंग्लिश में होती है। तो कोई ऐसे यंगस्टर हो जिनको ना आता तो लिख लें कि आपने ये लफ्ज कहा, आपके इंटरेस्ट क्या हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू लर्न, हाउ मच कीन यू आर टू लर्न अबाउट इस्लाम, सो यू कैन राइट इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी वर्ड। आप ऐसा लफ्ज लिख लें बाद में उससे पूछ लें कि आपने ये कहा। तो बस कदम बोसी, किसिंग द फीट ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का कदम चूमना बहुत बड़ी सादत की बात है, माँ बाप की साया होना बहुत बड़ी सादत की बात है कि हमें उनका हाथ चूमने का मौका मिलता है। फातिमा जहरा वो अजीम खातून है, उसके उनके माथे को रसूल पाक बोसा देते हैं, उनके माथे को रसूल पाक बोसा देते हैं। किसी के एहतराम में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फातिमा जहरा वो है कि इनके एहतराम में रसूल पाक खड़े हो जाते हैं, इनकी मोहब्बत में रसूल पाक खड़े हो जाते हैं। ये स्टेटस है, ये मकाम है फातिमा जहरा का। यानी छठा पॉइंट ये है, जब फातिमा जहरा आती थी, है तो बेटी उम्मती भी है, आपके जो सहाबिया है, बेटी है, शहजादी है, लेकिन जब ये घर में आती थी, नबी के जो है, नबियों के सरदार हैं वो, जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर कराई है, आसमानों और जमीनों के खजानों के मालिक हैं। इन्नी ऊती तो मफाती हा खजाने लड़काओं का मकान, अल्लाह ताला ने जो जमीन के खजानों की चाबियां दे दी है, वो नबी जो है एक नौजवान खातून जो आपकी बेटी है, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम इनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। रसूल पाक ने सिखाया बेटी का रिस्पेक्ट क्या होता है, बेटी का अदब क्या होता है, और खासकर बेटी की फातिमा जहरा जैसी हो, क्या शान है, हमारे दीन में कितना रिस्पेक्ट है, और फातिमा जहरा का क्या मकाम है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, इनका हाथ थाम लेते और फिर इनके पेशानी को बोसा देते। तीन। नंबर चार, अपनी जगह पर बिठाते, अपनी जगह पर बिठाते। इस तरह जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम इनके पास तशरीफ लाते तो ये भी अपने वालिद के एहतराम में खड़े हो जाते, ये भी अपने वालिद के एहतराम में खड़ी हो जाती, आगे बढ़कर रसूल पाक का हाथ थाम लेती और अपनी इज्जत वाली जगह पर, ऊंची जगह पर रसूल पाक को बिठाती। यानी बीवी फातिमा जहरा ने बताया कि बाप का अदब कैसे करते हैं, और रसूल पाक ने बताया कि बेटी का अदब कैसे किया जाता है, बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, और साथ में ये भी बता दिया कि मेरी बेटी कोई आम खातून नहीं है, कि मैं नबी होकर इसका इतना एहतराम, इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो इसमें गौर करें तो बच्चों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप से रिस्पेक्ट करें, अदब करें। हमारे पाकिस्तान इंडिया में खासकर नौजवान क्या करते हैं, वो मुहर्रम आती है, दुनिया के काम का छोड़कर मुंह में पान दबाकर कवाली लगाकर वो चार घंटे जो है वो हली पे गोटा लगा रहे हैं, हली बना रहे। अरे भाई, इतने तुम वक्त अपने माँ बाप को दो ना, उनकी खिदमत करो। वो समझते हैं कायनात की सारी बरकतें जो है वो हली नहीं के अंदर मिल जाएंगी, नमाज उनको छोड़ देनी है, ऐसा मामला नहीं है। ये भी तो होना चाहिए ना कि हलीमा बनाते हैं, इंसान सवाब करते हैं, न्याज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी तो जिसकी मोहब्बत में हली बनाते हो वो भी देखो उस घराने ने अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कैसा किया है। बीवी फातिमा जहरा ने अपने वालिद का अदब और एहतराम कैसा किया है। आज की जो नौजवान लड़कियां हैं, क्या आपको ऐसा नजर आता है कि स्कूल कॉलेजों में ये रिस्पेक्ट दिया जाता हो कि टीचर आता हो तो खड़े हो जाए। हम जब अपने उस्ताद की खिदमत में बैठते थे तो हमारे उस्ताद हमें बताते थे, एक जमाना ये भी गुजरा है, कुछ स्कूल जैसे भी होते हैं जब उस्ताद पढ़ा रहा होता पीछे से बच्चे चौंक मारते हैं उस्ताद को, ऐसे जालिम, ऐसे जो है शरारती लोग होते हैं, माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं, उस्तादों का रिस्पेक्ट नहीं। बहरहाल बीबी फातिमा जहरा ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत की, बड़ा जो है मोहब्बत का इजहार किया। ये भी एक अलग तकरीर है, जब रसूल पाक का विसाल हुआ तो आप पर कैसे गुजरी, किस कदर मोहब्बत थी। अब सातवां जो है वो पॉइंट मर्ज करने से पहले आपके निकाह की बात अर्ज करता हूँ। निकाह जो है आपका हजरत अली शेर खुदा से हुआ, इसकी पूरी तफसील है कि बीबी फातिमा जहरा इतनी हसीन और खूबसूरत थी, मैं कभी एक तकरीर सिर्फ इसी उनवान में करूंगा। कितने रिश्ते आए, यहां तक कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी रिश्ता आया, फारूक आजम का भी आया, हजरत अली ने कैसे रिश्ता पेश किया, और रिश्ता पेश नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा गुर्बत थी। लोगों ने कहा कि तुम रिश्ता तो दो, ये शर्माते हुए गए घर के अंदर जाके बैठ गए,
और जमीन को रेत ने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, कहां रसूल पाक की शहजादी और कहां मैं। फिर इन्होंने अपना बचपन के मामला रसूल पाक को बयान किए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो कहोगे मैं जो है रसूल पाक जानते थे, तुम जो कहोगे तुम्हारी हाजत पूरी होगी। फिर बहरहाल जिब्रील अमीन आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर जो है बीबी फातिमा जहरा और हजरत अली शेर खुदा का निकाह हुआ। और उस वक्त जो मशहूर रिवायत है, बीबी फातिमा जहरा की उम्र 15 साल 5 महीने 15 साल 15 ईयर 5 मंथ्स 15 डेज 15.5 साल की उम्र है और हजरत अली रजी अल्लाह तआला की उम्र 21 साल है। और अल्लाह ताला ने दोनों मियां बीवी में बड़ी मोहब्बतें पैदा की, उन्हें इनकी जिंदगी में बड़ी बरकत थी। और मुख्तसर दौरानिया इनकी जिंदगी का, लेकिन अल्लाह ताला ने 6 बच्चों से नवाजा। लोगों में मशहूर है कि हमें कभी उलमा ने हम सीखा नहीं, हमने इमाम हसन और इमाम हुसैन ही मशहूर। अल्लाह ताला ने इन दोनों कपल्स में कम वक्त में 6 औलाद से नवाजा है। नंबर 1 इमाम हसन है, नंबर 2 इमाम हुसैन है। 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। इसको याद रखें, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर मोहसिन, हजरत मोहसिन, 3 और 3 शहजादियां हैं, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम। मैंने आपको जिक्र किया था कि बीबी फातिमा जहरा की एक सिस्टर का इंतकाल हुआ था, गालिबन हजरत रुकैया थी, ये हजरत रुकैया। तो बीबी फातिमा जहरा कब्र में बैठ के आंसू आ रहे थे, रसूल पाक इनके आंसू को पहुंच रहे थे। तो कैसी अपनी बहनों से कैसी मोहब्बत है, और नाम भी ऐसे जो नबी पाक ने खुद रखे हैं। तो बीबी फातिमा जहरा ने सोचा नहीं कुछ, अपनी जो 3 बहनें थी, फातिमा जहरा चौथी बहन थी, मशहूर बात यह कि सबसे छोटी है, तो आपने अपनी 3 बहनों के नाम अपनी 3 बच्चियों को दे दी। इसमें सोचने की क्या बात है। हमारे यहां हमारे पीर साहब कहते थे कि मेमनों में जो है बच्चा पैदा होना आसान है, नाम रखना बहुत मुश्किल है। और हमारे भी होता है जो है नाम रखने में 10 दिन 12 दिन लगा लेते हैं। आप अच्छे नाम रखें, बरकतों वाले नाम रखें, कैसे प्यारे नाम है। जो इनकी बहनों के नाम थे, उन्होंने हुसूल बरकत के लिए अपने 3 शहजादियों के नाम यही रख दिए, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 लड़के 3 लड़कियां। अब इनमें से जो है ये मोहसिन, इनका इंतकाल छोटी उम्र में हो गया, दूध पीने की उम्र में इसमें इंतकाल हो गया। और उस तरफ रुकैया, रुकैया का इंतकाल भी दूध पीने की उम्र में, इन दोनों का बच्चों का इंतकाल हो गया। अब बाकी रह गए 4, इमाम हसन और इमाम हुसैन की तो पूरी जिंदगी है। हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम, इनका बाकायदा निकाह हुआ है, ये बड़ी हुई है, बुलूगत की उम्र तक पहुंची है। हजरत ज़ैनब का निकाह मशहूर सहाबी अब्दुल्ला बिन जाफर से हुआ है, और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह, देखिए किस कदर मोहब्बत है अहले बैत और सहाबा कराम में। ये बात दूसरा मक्तबा स्कूल ऑफ फर्द शिया है, वो कहता है कि भाई अहले बैत और सहाबा कराम का नाम ही नहीं लेंगे, माशाल्लाह हजरत उमर की गुस्ताखी करेंगे, माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये हजरत फातिमा की तो छोटी शहजादी है उम्मे कुलसूम, इनका निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब से हुआ है। हजरत फातिमा जहरा की शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह किनसे हुआ है, हजरत उमर बिन खत्ताब से हुआ है, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। एक औलाद हुई थी जिनका नाम जैद था, छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था। मेरा नियम मैंने आपको एक समरी अर्ज कर दी है कि बीबी फातिमा जहरा की कितनी औलादें थी, कितने बच्चे थे, 6 थे। अब आते मैं 7वां पॉइंट अर्ज करता हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा जहरा के हवाले से फरमाया, फातिमतु सैयदतु निसा अहले जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह ताला ने इस औरत को वो मकाम दिया है कि जन्नत में हजारा औरतें होंगी, हजारा वक्त की वलिया, नेकोकार, पादशाह, तहज्जुद गुजार, कैसी कैसी अजीम औरतें होंगी। लेकिन उन सब औरतों की सरदार और लीडर अल्लाह ताला ने किसको बनाया है, फातिमतु सैयदतु निसाई अहले जन्ना, जन्नती औरतों का सरदार। ये जो क्राउन है, जो किंगशिप है जन्नत की औरतों की, अल्लाह ताला ने फातिमा जहरा को अता फरमा दी। कैसा अल्लाह ताला ने, ये वो नहीं है कि नबी की शहजादी है फिर उनको विरसे में मिल गया है, ये नहीं है, ये इसकी मेहनत, इनका स्ट्रगल तो निस्बत है। फिर आगे आप सुनेंगे कैसी जिंदगी को, कम जिंदगी है लेकिन कम वक्त में ही इन्होंने अपना काम जो है ये उस खिदमत को अंजाम दिया है। फिर 8वां पॉइंट, रसूल पाक आपकी फजीलत बयान फरमाते हैं, फातिमतु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आजाहा फकत आजानी और मन अबगदाहा फकत अबगदनी, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इससे बूझ रखा उसने मुझसे बूझ रखा है। रसूल पाक ने इस कदर बीबी फातिमा जहरा से मोहब्बत रखी है। फिर ये शान इस औरत के अजीम खातून की वो है, जैसे हम हदीस पाक में आता है, बाप को राजी करोगे रब राजी हो जाएगा, बाप को राजी करोगे
रब राजी होगा। हदीस पाक का खुलासा है, फातिमा को राजी क्या, रब राजी हो जाए। इन्नल्लाहा यग़दिमु बिग़दबि फातिमता वा यर्ज़ा बिरज़ाहा, अल्लाह ताला फातिमा के नाराज होने से नाराज हो जाता है और इनको राजी करने से अल्लाह ताला राजी हो जाता है। यानी रजाए खुदा रजाए फातिमा में मुजमर है, चुपी नहीं है। The pleasure of Allah, if you want to seek the pleasure of Allah, it is concealed and hidden in the pleasure and happiness of pleasing Bibi Fatma Zahra, of serving and loving Bibi Fatma Zahra. Is azim khatun ki mohabbat tumhein khuda ki khushnudi aur raza ke darwaze tak pahuncha degi. Allah Taala ne Bibi Fatma Zahra ko ye maqam ata farmaya hai. Allah ho gaya aur rasool paak ki kaise pyar mein hai. Ek dafa competition ho gaya, ek dafa kya ho gaya, सब मिल करके ताकि पता चला सब जा गए। जब क्या हो गया, कंपटीशन, 10वां पॉइंट आ गया, 25 पॉइंट ही कंपटीशन हो गया। हजरत अली शेरे खुदा रसूल पाक के पास आते हैं, दोनों फर्श पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। हजरत अली ने फरमाया, देखो नौजवान है और रसूल पाक ही के सामने परवरिश हुई है, दोनों रसूल पाक के एक तो बेटी है और उनकी परवरिश भी रसूल पाक के घर में हुई है। तो हजरत अली पूछते हैं, आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, आपको ज्यादा प्यारा कौन है, हु इज मोर बिलवड टू यू, आपको ये ज्यादा अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूं। कैसा सवाल है, जैसे बच्चों से पूछते हैं आप मम्मी अच्छी लगती है, आपको अच्छे लगते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह इनकी मोहब्बत का मामला ऐसा है कि रसूल पाक से अली ने पूछा कि आपको ये अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूं। अब रसूल पाक क्या फैसला करें, जवाब देना है कि ये जो है मुझे तुमसे अच्छी लगती है और तुम मुझे इससे अच्छे लगते हो। यानी इजहार भी कर दिया मोहब्बत का और समझा भी दिया, और ये नहीं कहा कि ये तुमसे अच्छी, ये ज्यादा अच्छी लगती है, तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। यानी ऐसी बात भी है कि फैसला तुम ही कर लो, ये तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है और तुम इससे ज्यादा अच्छे लगते हो। यानी दोनों बराबर, दोनों का अलग मकाम है, दोनों मुझे पसंद है, मैं फैसला नहीं कर सकता हूं। तो रसूल पाक ने फरमाया, ये मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी है और तुम उनसे ज्यादा प्यारे हो। ये रसूल पाक इनसे मोहब्बत की अलामत थी। रसूल पाक अलैहि सलातो वसलाम बड़ी शफ़क़त फरमाती, पूरा एक वाकया कुरान पाक में है मुनाज़रे का, वो पूरे एक अलग टॉपिक है 15 मिनट में, कि किस तरह जो है कुछ लोगों ने, ईसाइयों ने, नजरान के ईसाइयों ने मुनाज़रा करा और ये पूरा घराना गया है। और उसमें एक वाक्य यहाँ पर यह मिलता है मुख्तसर कि रसूल पाक अलैहि सलातो वसलाम ने अपनी चादर शरीफा में ले ली है इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, हजरत अली को, हजरत फातिमा को, क्योंकि मैंने आपको अर्ज कर दिया कि मोहसिन और रुकैया का इंतकाल तो छोटी उम्र में हो गया था और ज़ैनब और उम्मे कुलसुम का निकाह हो गया था। तो ये जो है ये चार लोग और पांचवे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में लिया, कुरान पाक की आयत की तिलावत की कि अल्लाह ताला ने इनसे गंदगी को दूर कर दिया है, इनको पाकीज़ा बनाया है। रसूल पाक ने फरमाया, इन चारों शख्सों के बारे में मैं इनसे जंग करूंगा जो इनसे जंग करेगा, मैं उससे सुलह करूंगा जो उनसे सुलह करेगा। I will be at war with those who will be war with them. जो इनसे झगड़ा करेगा मेरा उनसे झगड़ा है और जो इनसे सुलह करेगा मेरी उनसे सुलह है। ये रसूल पाक ने इस घराने की अजमत बताई है, ये फजीलत है, स्टेटस है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा मकाम अता फरमाया। अब आइए मैं आपको 12वां पॉइंट अर्ज करता हूँ, क्या आप गौर करें अल्लाह ताला ने कैसी जिंदगी आपको दी है। यहाँ पर जिन लोगों को अल्लाह ने घर दिए हैं, सहूलतें दी हैं, काम दिया है, कमाते हैं, गाड़ियां दी हैं, आप गौर करें। अब जो बात सुनेंगे, अल्लाह, बीबी फातिमा जहरा एक दिन रसूल पाक घर में तशरीफ लाए, घर में तशरीफ लाए और क्या देखा कि आप ऊंट के बालों का मोटा लिबास पहने बैठी हैं। क्या लिबास पहना है, ऊंट के बालों का लिबास, कोई ऐसा कोई जो है वो आप सुने कि जिस तरह ग्लैमरस लोन जो टेक्सटाइल के आजकल के कपड़े आते हैं, ऊंट की खालों का कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ही पुराना वो सीधा हुआ हुआ, बहुत ही खस्ता हालत है और है जन्नत की औरतों की सरदार। और कपड़ा क्या पहना है, अल्लाह अकबर, कपड़ा क्या पहना है कि वो ऊंट की खालों का कपड़ा पहना है और उसकी हालत इतनी बोसीदा है, इतनी पुरानी हालत है कि वो जो है उसको देखकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम जैसे जो है हिम्मत वाले अजीम शख्सियत नबियों के सरदार की आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखों से जारी हो गए। और फिर रसूल पाक ने सबर की तलकीन की, ये नहीं, और बेटी भी कैसी सबर वाली है, कैसी जुहद और तकवा वाली है कि देखो मेरे शोहर ने मुझे कैसा रखा है, आपने कहा मेरी शादी कर दी। आजकल ये औरतें कहा मेरी शादी हो गई, कहा मेरी मत मर गई, मेरे बाप ने कहा, मेरा आजकल औरतें कहा मेरे बाप ने निकाह कर दिया है,
कभी जिंदगी में तुम्हें खुशी नहीं दी है। वो सामने वाली कैसे कपड़े पहन रही है, रोजाना नया लॉन्ग पहन रही है, नया पर्स पहन रही है, नया जूता आ रहा है, नई घड़ी आ रही है, उसका मोबाइल देखो, मेरा मोबाइल देखो। ये आजकल का ये मसला अल्लाह हू अकबर, ये घराना कैसा है। खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हैं, कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह हू अकबर, इस अजीम औरत के जो है कुर्ते को देखकर रसूल पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रसूल कि कभी जो है अपनी जात के लिए नहीं रोए, वो उम्मत के लिए रोए हैं और उम्मत की बख्शिश के लिए रोए हैं। आज अपने घर की इस शहजादी को देखकर आंखों में आंसू छलक गए, लेकिन रसूल पाक को तालीम देनी थी। वो जानते थे कि आगे इमाम हुसैन ने इस औरत की तरबियत करनी है। रसूल पाक ने फरमाया, बेटा तुम दुनिया की सख्ती पर सब्र करो, कल जन्नत की नेमतें तुम्हें हासिल होंगी। ये बाप का काम यह होता है, तुम दुनिया की तकलीफों में सब्र करो, तुम्हें जन्नत की नेमतें हासिल होंगी। अल्लाह अकबर। फिर रसूल पाक ने इनके लिए दुआ फरमाई, ए खुदा इनको भूख की तकलीफ से सबसे ज्यादा जो तकलीफ की चीज है, खासकर यहां पर आप देखें सबसे ज्यादा तकलीफ वो भूख का मामला है। भूख में आप जो है वो कुछ भी कर लें। हमारे पीर साहब अफ्रीका आते थे, जो बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि यहां पर बास ममालिक ऐसे हैं, एक सेवन अप में आप जिना कर ले माजिल, एक सॉफ्ट ड्रिंक के अगेंस्ट वो इतने भूखे नंगे लोग हैं, उसको आप ब्रेड दें विद वन लोफ ऑफ ब्रेड एक्सचेंज और वन लोफ ऑफ ब्रेड, आप उसका ईमान बदल दें, ईसाई से मुसलमान कर दें, मुसलमान से ईसाई कर दें। ऐसी गुर्बत, तो गुर्बत बहुत बड़ी आजमाइश है। तो रसूल पाक ने बेहतरीन दुआ की, अल्लाह ताला मेरी बेटी को भूख की तकलीफ से निजात दे दे। बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, इसके बाद मैंने कभी भूख की तकलीफ महसूस ही नहीं की, भूख की तकलीफ महसूस ही नहीं की है। ये तेरा पॉइंट है, 14 पॉइंट नंबर 14। कैसा ये आप देखेंगे तो ये पॉइंट नंबर 14 सुनेंगे, ये बाप और बेटी में कैसी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, ये मैंने बुजुर्गों में देखा है। तो क्या करते हैं, मैं आपको अर्ज करता हूँ बुजुर्गों की कैसे ही मोहब्बत है, मैं अर्ज करता हूँ। लेकिन बाप बेटी की मोहब्बत आप देखें, अल्लाह अकबर, आप हैरान हो जाएंगे। फातिमा ज़हरा का मकाम आपको समझ आएगा, कहते रसूल पाक अलैहिस्सलाम व्हेन इंटेंडेड फॉर अ जर्नी, जब रसूल पाक सफर का इरादा करते तो सबसे आखिर में बीबी फातिमा ज़हरा से मुलाकात करते, यानी जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है उससे आखिर में मुलाकात की जाती है, ताकि उसकी मुलाकात का वो जैसे आपको खाने में कोई चीज पसंद हो तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है, तो लोग कहते हैं ये आखिर में रखूंगा मैं, ताकि उसका टेस्ट बाकी रहे। ये जब उन खाने के दौरान इस तरह की बात होती है, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ये मोहब्बत है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो सफर में तशरीफ ले जाते हैं, बीबी फातिमा ज़हरा से सबसे आखिर में मुलाकात करते, ताकि सबसे मुलाकात कर ली, अब आखिरी मुलाकात तसल्ली से इस शहजादी से होगी, और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहली मुलाकात बीबी फातिमा ज़हरा से होती है। अल्लाह हू अकबर, ये मोहब्बत है। तो ऐसा लोग करते हैं, मैंने देखा है कि अपने जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में उनके उस्ताद हैं, उनके पीर और मुर्शिद हैं, तो जब वो जाने लगते हैं हज पर उमरे पर, तो पहले उससे इजाजत, जब जाने लगते हैं एयरपोर्ट पे, तो पहले वहां पर फातिहा पढ़ते हैं, हाजिरी देते हैं, दुआ कराते हैं, जिंदा होते हुए दुआ कराते हैं, या जब मजार पर, फिर वो चले, फिर जब वापस आते हैं पलट कर, तो पहले वहीं पर दुआ करते हैं, हाजिरी करते हैं। इसी तरह रसूल पाक की भी सुन्नत है, जब आप आते थे तो मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे, जाते वक्त भी नमाज पढ़ते थे। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम कैसी मोहब्बत है, आप समझ रहे हैं कि फातिमा ज़हरा का क्या मकाम है, रसूल पाक कितना इज्जत कितना मकाम दे रहे हैं। अब सहाबा किराम में कैसी मोहब्बत है कि मैंने रिश्ता बयान करवा दिया, अब ये मोहब्बत कैसी है। अब आयशा सिद्दीका से पूछा, काश बात जो है दूसरों को नजर आ गया, जो माशाल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार मातम से करते हैं, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को उनके शर से बचाए। ऐसे दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो समझते हैं मोहब्बत का इजहार मातम से होता है, क्या दीन क्या मातम का नाम है। अल्लाह तो भी मौका लगेगा तो उस पर पूरी डिबेट करेंगे, आजादारी क्या है, मातम क्या है, क्यों किया जाता है, ये सीने को पीटते हैं, बच्चों को देकर खंजर देते हैं, बच्चे पीछे मारते हैं, ये मोहब्बत का नाम नहीं है, ये मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है, इस्लाम इस चीज का नाम है, इस्लाम में 5 अरकान का नाम है, प्रैक्टिसिंग इस्लाम का नाम है। किस साहब ने ऐसा किया, ये क्यों ऐसा करते हो, ये मोहब्बत का इजहार नहीं है। आप देखें सहाबा किराम में कैसी मोहब्बत, फिर उल्टा सहाबा किराम की गुस्ताखी करते हैं लोग। अब ये देखें, अब आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि रसूल पाक को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, पॉइंट नंबर 15, रसूल पाक को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, का फातिमा ज़हरा, और मर्दों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो इनका शोहर अली मुर्तज़ा। ये कौन जवाब दे रहे हैं, आयशा सिद्दीका, यानी आपस में कैसी मोहब्बत है।
और उसको एक्सेप्ट करती है कि अल्लाह ताला ने, यानी हसद नहीं है जलस ही नहीं। आयशा सिद्दीका जो है फातिमा जहरा का मकाम बता रही है कि रसूल पाक सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, फातिमा जहरा से, और ये भी नहीं मेरे बाप से मोहब्बत करते हैं, और दूसरे किससे करते हैं, फातिमा के शौहर से करते हैं। अभी भी फातिमा जहरा से किसी ने पूछा कि रसूल पाक सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो आयशा सिद्दीका से करते हैं। कहिए तो और कौन हुआ का सबसे ज्यादा मर्दों में किससे मोहब्बत करते हैं, बोला आयशा के वालिद से करते हैं। तो ये रसूल पाक ने इतनी मोहब्बत दी है, उन लोगों को फैसला करना मुश्किल था और उन लोगों के दिलों में आपस में हसद नहीं था, साफ सुथरे दिल में पीना आपस में हसद नहीं था। पॉइंट नंबर 16, ये लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो औरतें सुन रही है, हम लोग जो सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये आप गौर से सुनेंगे। दो जुमले, एक जुमला आया कोट कैसा था, ओवर कोट कैसा था। आज तो औरतों के जुमे भी महंगे महंगे, अल्लाह अकबर, मर्दों के लिबास भी महंगे, अल्लाह अकबर, शूज भी महंगे। अब ये देखें, ये जो आपने सुना, अब ये दो पॉइंट आप सुने, अल्लाह अकबर, कैसी शान है उस अजीम खातून की। कि इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं, इमाम हसन ये फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा को देखा, बीबी फातिमा जहरा को, कि घर का एक मजिस्टर हमारी मेहराब बनी हुई मेहराब, तो घर के अंदर उन्होंने नमाज की जगह बनाई हुई थी, का पूरी पूरी रात नमाज में मशगूल रहती, यहां तक के फजर की अजान हो जाती। बीबी फातिमा जहरा की इबादत मशहूर थी, अपने जमाने की मरियम, बल्कि देखा जाए तो जन्नत की औरतों की सरदार है, तो मरियम से ऊंचा मकाम, यानी मरियम बीबी मरियम, और ये इस दर्जे पाए दर्जे की एक्सीलेंट औरतों में शुमार होते हैं। तो ये वो बीबी फातिमा जहरा है। तो मेरी वालदा जो है पूरी रात इबादत करती थी, यहां तक के फजर तुलू हो जाती। हाथ किसी औरत को शौहर कहे कि भाई कि मुझे जो है तुम नाश्ता बना दो, का नाश्ता बनाओगे तो फजर नहीं बनोगे भाई। ऐसे कई घरों में वो कहे तुम्हारी जिम्मेदारी करो, नमाज पढ़ना शुरू करेगी तो शौहर के काफिर हो जाएगी, शौहर की खिदमत करेगी तो नमाज से काफिर। उसको बैलेंस रखने का नहीं है कमीज, अल्लाह अकबर, ना बाप ने सिखाया ना उसने सीखा। अब गौर करें, पूरी पूरी सारे मामला भी पूरे करें, इबादत भी अपनी जगह पर, शौहर की खिदमत भी अपनी जगह पर, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही, यहां तक सुबह भी हो जाती है। और फिर इमाम हसन बेटे पूछते हैं, अपने लिए तो दुआ करती नहीं और लोगों के लिए दुआ करती रहती है, अपने लिए भी तो दुआ करें कुछ, अपने लिए भी तो, अपने लिए दुआ मांगती नहीं है, सबके लिए दुआ मांगती रहती, कैसा रहम दिल, कैसी साफ सुथरी, ये समझे कि बड़ों की पहचान होती है कि वो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। क्या सबब है आप अपने लिए कोई दुआ नहीं मांगती है? तो आप फरमाती है, अवल जवार सुन्नतदार, पहले पड़ोसी फिर हम हैं, पहले पड़ोसी, दुआ पहले दूसरों के लिए होगी, बाद में अपन के लिए होगी, पहले दुआ दूसरों के लोग, ये शान है इस अजीम घराने की। ये 17 पॉइंट्स में हजरत बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के, फिर आखिर में मैं आपके विसाल तक करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपका जब विसाल हुआ तो एक कॉल ये है, मैं आपके जनाजे का अर्ज करूंगा कि आपकी रात ही में तदफीन कर दी गई। अल्लाह, बीबी फातिमा जहरा ने वसीयत की थी कि मेरी रात ही में तदफीन कर देना। पॉइंट नंबर 18, रात में तदफीन क्यों करना? तो रात में तदफीन इसलिए करना कि किसी नामहरम की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। अल्लाह अकबर, नामहरम की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। तो कोई देखिए मसला नहीं है, आजकल लोग करते हैं टेंट वगैरह लगाते हैं, ये रिकमेंडेड मेथड है, लाजमी नहीं है। देखिए पर्दे का अहकाम तो जिंदगी में होता है मेरे भाई, मौत के बाद क्या पर्दा कराना है? चार पांच लोग खड़े हैं बस, बाकी को भेज दें। ये क्या है कि ऊपर पर्दा लगाते हैं, ये करते हैं, ये क्या है मतलब? वो तो जिंदगी में था, when finished matter is closed, finished, नामे अमल खत्म हो गया। अब ऊपर चादर डालते हैं, ये करते हैं, भाई जो रिश्तेदार नहीं है, नाम महरम स्ट्रेंजर्स हैं, उसको खुद समझ होनी चाहिए कि औरत का जिस्म पकड़ेंगे, चार पांच रिश्तेदार होंगे, भाई होगा, बाप होगा, ये उतारेंगे और इनका चेहरा अगर देखना चाहेंगे, ये लोग ज़ाहिर चेहरा देख सकते हैं, तो हम पीछे हट जाए, हमको पीछे हटा दें, बस खत्म हो गई। अब चादर से कवरिंग करना, ये इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं है। इन तकल्लुफात की जरूरत थी तो जिस तरह जिंदगी में गाड़ी को कपड़े में छुपाते हैं, मोबाइल को कपड़े में डालते हैं, बच्चियों को कपड़े में डाला जाए, ये मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन सुभान अल्लाह, बीबी फातिमा जहरा की क्या शान है, वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को भी नामहरम की निगाह ना देखे, नामहरम की निगाह, आई डोंट वॉन्ट ए स्ट्रेंजर टू सी माई फ्यूनरल, मेरा जनाजा भी बना रात ही मैं तकफीन कर दो तुम लोग, कि बड़ा मजमे की जरूरत नहीं है। और कवर करके, यानी जब वो निकल, कभी निकली भी नहीं है घर से, और जब निकली भी है, क्योंकि
22-23 या 28 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। तो जब निकली भी है तो अपना जो जिस्म है, लिबास है, उस लिबास को वो चादर डाली हुई है। और यही हकीकत है कि आज तक किसी ने वायर देखा ही नहीं है। इसीलिए आला इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह फरमाया है, जिसका आंचल भी ना देखा मैं वो महर ने। ये वो औरत है कि स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर, ना महरम तो ना महरम। फातिमा तुम्हारी शान ये है, सूरज और चांद ने भी तेरे आंचल को आज तक नहीं देखा। सूरज और चांद ने भी आंचल को नहीं देखा है, जिसका आंचल भी ना देखा न हुआ महर ने। उस रिदाए मजाहब पे, अनुजत पे लाखों सलाम, उस पाकीज़ा चादर पे लाखों सलाम, उस पाकीज़ा चादर पे कि चांद और सूरज ने भी उसकी जो है नहीं देखा। इसको गौर करने की बात, ये सुन्नत है, यही जिंदगी है, यही शरीयत है। कभी भी फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी, पॉइंट नंबर 18। और फजीलत की कुछ बातें हैं, पॉइंट नंबर 19 वर्ष करता हूँ, 25 ही पॉइंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके हिसाब से ही ये तैयार की है रूहानी डिश। अब पॉइंट नंबर 19, बीबी फातिमा ज़हरा की क्या शान, विलादत कैसे हुई अल्लाह को। कहते हैं कि हज़रत खदीजा ने ख्वाहिश जाहिर की, रसूल पाक की खिदमत अर्ज किया कि मैं जन्नती फल देखना चाहती हूँ। जन्नती फल की क्या बात है, पहले पारे में 30-34 सफे में है कि कुल्लमा रुज़िक़ू मिन हामिन समर क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ नाम के, वही है दुनिया में मिलता था, ये तो वही सेब है, वही अनानास है दुनिया। लेकिन इसका जायका कैसा है, मतलब हर उसके लुकमे में जायका अलग है। तो वो जब ये बातें सुनी होगी बीबी खदीजा तुल्कुबरा ने, तो रसूल पाक की खिदमत अर्ज़ की, आई वांट टू सी द फ्रूट्स ऑफ पैराडाइज, मुझे जन्नती फल देखना है। अब दुनिया में जन्नती फल कहां से मिले, लेकिन वो खातून भी तो खदीजा तुल्कुबरा थी, जो रसूल पाक की खिदमत में गारे हिरा पहाड़ी पर चली जाती थी, अपनी दौलत जिसने रसूल पाक के तकों में कुर्बान कर दी थी, वो खदीजा कुबरा जो आपने बिलियनियर थी और पूरा बिलियंस उसने रसूल पाक के दीन की खातिर कुर्बान कर दिए थे। तो बीबी खदीजा ने ख्वाहिश जाहिर की, रसूल पाक अलैहिस्सलाम अभी इसी जवाब देने में थे, जिब्रील अमीन आसमान से जन्नत के दो सेब लेकर आ गए। जिब्रील अमीन आसमान से जन्नत के दो सेब लेकर आ गए, एक आपका है एक खदीजा कुबरा का, आप लोग खाइए और अल्लाह ताला फिर आपको जन्नती फल जैसी बच्ची अता कर रहा है। तो कहते हैं जो जन्नती फल खाया है, इस जन्नती फल खाने के बाद में जो मुबारक अमल पेश आया है, उससे बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत हुई। तो ज़ाहिर है इसीलिए रसूल पाक, ये पॉइंट नंबर 20 है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जब जन्नत का इश्तियाक होगा, जन्नत की याद आती, तो रसूल पाक यूं करते, अपनी बच्ची के करीब जाकर यूं सूंघते, तो कहते मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है, मुझे से जन्नत की पाकीज़ा खुशबू आती है। और जन्नत की वो फरमाते फातिमा तू हौरा इंसिया, ये इंसान के लिबादे में जन्नत की हूर है, ये जन्नत की हूर है लेकिन इंसानी लिबादे में है। फातिमा तू हौरा इंसिया, पॉइंट नंबर 20 पॉइंट बनाया इसके 21। ये वो अजीम औरत है, जाहिर है आपने गौसे पाक के भी वाकया सुने हैं, फाजल गरीब नवाज दूसरे बुजुर्ग के वाकया सुने हैं। तो बीबी फातिमा ज़हरा की क्या शान है, जिनके बच्चों की आठ औलाद की ये शान है। कहते हैं कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम से काफिरों ने मुतालबा किया है कि चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, स्प्लिट दिस मून इनटू टू पीसेस, चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इतने बड़ी डिमांड की गई। रसूल पाक के लिए तो आसान था, लेकिन वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। अब जब खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसको देखा, तो आपने कहा कैसे लोग हैं, कितनी रुसवाई है इन लोगों के लिए, हमारे आका को झुटलाते हैं, इनको तंग करते हैं। और वो नाराजगी का उस कौम पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, इतने मोर्चे दिखाने के बाद अब ये मोर्चा मानते हैं। जब बीबी खदीजा कुबरा ने ये बात कही है, तो एक रिवायत ऐसी मिलती है कि पेट के अंदर से बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अम्मी जान आप गमजदा ना हो, ना डरे, बेशक अल्लाह ताला मेरे अबू के साथ है। आप गमजदा ना हो, बेशक अल्लाह ताला मेरे वालिद के साथ है। अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा ज़हरा को यह मकाम अता फरमाया। और जब आपकी विलादत हुई, पॉइंट नंबर 22, जब आपकी विलादत हुई और जब आप लाई गई बिस्तर पर, कहा कि जब बिस्तर में रखा गया, उनके चेहरे से पूरा कमरा रोशन हो गया और खुशबू ही खुशबू आ गई, जरा जन्नती खुशबू रसूल अल्लाह खुद फरमा दे। तो उनको जब रखा गया तो कुदरती उनके जिस्म में खुशबू और नफासत है अल्लाह हु। और ये बड़े बड़े जो है सैयद सादात, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर गौसे पाक हो, उनके वादे में उनके पसीने में खुशबू है।
तो ये वो घराना है अल्लाह ताला है जो रसूल पाक के जिगर का टुकड़ा हो, रसूल पाक ने जिगर का टुकड़ा फरमाया हो, रसूल पाक के जिस्म का हिस्सा ही हो, औलाद बाप का जुज होती है। रसूल पाक अल्लाह के महबूब हैं, जो जिनका साया नहीं है ऐसी अजीम शख्सियत की बेटी कैसी अजीम होगी। फिर ये कि आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने रसूल पाक से ज्यादा रिजेंब्लेंस किसी औरत में अगर देखी है, किसी में देखी है, आदत में, चेहरे में, उठने में, बैठने में, चलने में, हर काम में अगर किसी को देखना है रसूल पाक को, तो बीबी फातिमा ज़हरा को देख लो। बीबी फातिमा ज़हरा की नशिस्त, सिटिंग, बर्खास्त, स्टैंडिंग, चलना फिरना, वॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर क्या है सीरत, हर एट्रीब्यूट, हर क्वालिटी, और फिर उनका क्या है सूरत, उनकी चेहरा का पूरा का पूरा यह हम शक्ल मुस्तफा है, रसूल पाक की कॉपी है, रिजेंबलेंस है। और फिर 25 पॉइंट नंबर 24 इनकी वो शान है। सेकंड लास्ट बात है कि क्या देखें हमें सीखने को, आज हम दुकानों में बैठते हैं उनके लिए, और जो औरतें हैं हमारी मतलब सुने कैसा, मतलब इनका शगल कैसा है, इन्हें प्रैक्टिसिंग कैसा, इनका मोहब्बत कैसी है। अली फरमाते हैं कि फातिमा मेरी बीवी वो है जब खाना पकाती थी उस वक्त भी तिलावत करती रहती थी। फातिमा खाना पकाते वक्त भी तिलावत करती रहती थी। काश आज कोई दुकानदार ऐसा हो, दुकानदारी करे, वो कोई भी काम कर रहा हो उसको अपने रब से ऐसी मोहब्बत हो कि वो जिक्र अस्कार करता रहे, गाड़ी में हो जिक्र अस्कार करता रहे, दूर पड़ता रहे। औरतें घर में तो काम किया, दुनिया में आए तुम्हें भाई किस काम के लिए आए हैं, क्या बिजनेस के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए, इसी काम के लिए आए हैं, क्या जिक्र अस्कार नहीं करना है। औरतों को कहते तो है नाकिस अकल है, औरत मस्जिद में इमाम नहीं हो सकती। हम लोग कहते हैं औरतें कम अकल है, औरत मस्जिद की इमाम नहीं हो सकती, औरत कोई गौस नहीं होती, औरत खलीफा नहीं बनती, औरत अभी नहीं बनती। लेकिन याद रखे इन्हीं की माँ भी होती है, इनको पैदा करने वाली यही अल्लाह ने औरत को बड़ी समझ ली, इसको अगर तरबियत करते तो इसी की कोख से सलामती नयू भी पैदा होते हैं, इसी की कोख से ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। तो इनके बड़ी समझ बड़ा इनको शोर होता है, या अगर काम करने पाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ते हैं। तो बीबी फातिमा ज़हरा की क्वालिटी अपनानी चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी तिलावत करते रहना चाहिए, जिक्र अस्कार काम क्या है हमारा, मोहब्बत जिसकी होती है वो काम आदमी करता रहता है, पढ़ते रहे दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, गाड़ी चलाते पढ़ते रहे। आखिरी बात तो बड़ी ही समझेंगे आपको तोड़ के रख देगी, आपके हैरान कर देगी वो आखिरी बात है। बीबी फातिमा पॉइंट नंबर 25 खत्म हो गई बात, आज की आखिरी बात है। क्या शान है, गौर करें, काश अल्लाह ताला हमें भी ऐसी शर्मो हया ऐसी जिंदगी अता फरमा दे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद एक शख्स आया बनू सुलेम का, कहां का आया बनू सुलेम का आया, बड़ी इसने गुस्ताखी की है। इसकी गुस्ताखी जब मैंने पढ़ी तो मुझे वही याद आ गया अकबर, इसने रसूल पाक की गुस्ताखी की थी। रसूल पाक का जो है वो पहले दामाद था, अबू लहब का बेटा था, मैंने आपको सब कल सारा बताया था, मुझे वही सारी बातें जहन में आ गई। इसने कोई कसर छोड़ी नहीं, माजल बनू सुलेम को शख्स ने बड़ी गुस्ताखियां की, बड़े नाजवाब हल, इतनी गुस्ताखी थी कि फारूक आजम ने तलवार निकाल कर इसकी गर्दन काटने वाले थे। रसूल पाक ने फरमा दिया नहीं नहीं ठहर जाओ, और रसूल पाक ने ऐसे प्यार भरे झूले इरशाद फरमाए कि तू अल्लाह से नहीं डरता है, आखिरत का खौफ नहीं है, तुझे मरने के बाद जवाब नहीं देना है, अल्लाह का खौफ कर, क्या बुतों की तू पूजा करता है, बुतों के आगे सजदा करता है, खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत कर, और देखो मुझे जादूगर कहता है, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, मैं कहां जादूगर अपना को कहता हूं, ये जादू मैं नहीं करता हूं, अल्लाह मुझे इससे बचाए, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। रसूल पाक ने ऐसी मोहब्बत से बातें की, वो चंद ही बातें थी, उसने तौबा कर लिखा मैं गालियां दे रहा हूं, ये मुझे मारने से रोक रहे हैं, ये मुझे मारने से रुकवा रहे हैं, और मुझे मेरे आखिरत की मेरी ये फिक्र कर रहे हैं। उसने कहा मैं मुसलमान होता हूं मुझे इस्लाम, तो बात कोशिश की बात होती है, आदमी कोशिश करे, कोशिश ही में सामने वाला पिघल जाता है, कोशिश तो करे, दीन की दावत तो दे, रसूल पाक की सुन्नत है। रसूल पाक ने झूला कहा उसको, वो उसने जो है वो कबूल कर लिया और रसूल पाक की शक्कत देखी। रसूल पाक ने क्या करते हो भाई, हम यहाँ पूछ रहे कहाँ रहते हो, मुलाजी में रहते हैं, कहाँ तो क्या करते हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो आते रहते हैं। ये तरीका इसी तरह दावत दीन दी जाती है, प्रोपगेशन इसी तरह होती है। तो रसूल पाक ने पूछा क्या करते हो, बोला कि मेरे कबीले के 4,000 अफराद हैं, मैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब है शख्स, और
उसने अपनी गुर्बत कह रहा पूछ ही नहीं तो बता देता हूं अपने पूरे कबीले में 4000 लोगों में सबसे आखिरी नंबर मेरा है। अब ये आया है रसूल पाक के दरबार में बिन मांगे मिला और इतना मिला दामन में हमारे समाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, इसने कहना ही था, रसूल पाक ने ऐलान फरमा दिया कौन है जो उसकी मदद करेगा। हजरत साहब मेरे उबादा उठे का मेरे पास एक ऊंटनी है, मैं ऊंटनी इसको देता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उठे अपना इमामा उतार कर कहा कौन है जो उसका सर ढांकेगा, कौन है जो उसको सवारी देगा, साथ ही उबादा ने ऊंटनी दे दी। कौन है जो उसका सर ढांकेगा, हजरत अली ने इमामा उतारा उसको इमामा दे दिया। कौन है जो उसको खाना खिलाएगा, अल्लाह को। अब हजरत सलमान फारसी दरवाजे में दस्तक देने लगे, भाई रसूल पाक के मेहमान है, ये सारा वाक्य हुआ है, खाना है खाना है खाना है, अल्लाह होकर 3-4 घरों में खाना नहीं है, ऐसी हालत है। अब चौथा मुकर्रा बीबी फातिमा ज़हरा का था। बीबी फातिमा ज़हरा को सारा वाक्य सुनाया है, बीबी फातिमा ज़हरा मुझे बात बताई तो बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा कि जब अल्लाह की कसम आज 3 दिन हो गए घर में खाने को कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम आज 3 दिन हो गए हैं, ए बिरयानी खाने वालों, कोरमे खाने वालों, लियासे खाने वालों, जरा बीबी फातिमा ज़हरा की इस बात को भी सुनो। यहाँ पर अखनी खिलाते तो मैं आपको यहाँ की भी इसको जोड़ूं, अखनी खाने वालों, सैलेड खाने वालों, इतने जिंदगी में अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं। बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं अल्लाह की कसम आज 3 दिन हो गए घर में खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन कहती है ये वो घराना है जहां से वो खा लिया नहीं जाता है, ये वो घराना तुम आए हो और मेरे वालिद नाराज ना हो जाए, ये वो घराना है जहां से कोई खाली नहीं जाता है। अल्लाह अकबर, सलमान फारसी पर्दे के पीछे खड़े हैं, इस अजीम औरत ने अपनी चादर उतार के सलमान फारसी को दी। कल इस इलाके में यहूदी रहता है और यहूदी को कहना ये फातिमा बिनत मोहम्मद की चादर है, इसका बड़ा दे रहे, मजबूरी में दे रहे, ये गिरवी रखे और इसके बदले में हमें जौ दे दे, इसके बदले में हमें बाड़ली दे दे, हमें जौ दे दे, हम रोटी बनाएंगे इसकी, लेकिन चादर का ख्याल रखे। अल्लाह अकबर। अब वो सलमान फारसी शमून नामी यहूदी के पास पहुंचते हैं, का ये सारा मामला हुआ, एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया है और शमून को जो है सलमान फारसी ने चादर दी, वो चादर गिरवी में रख लो और हमें जौ दे दो और जब आएगा मामला तो हम तुम्हें वापस कर देंगे, तो हमारी चादर वापस कर देना। जब शमून ने उस चादर को देखा, अल्लाह अकबर, उस चादर को देखकर उस पर ऐसी कैसे तारीफ हुई, कहते हैं कि वली की तो जबान दिल बदल देती है, वली की तो बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। अल्लाह का वली जब बात करता है तो उससे कोई शोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जबान से बात निकलती है, दिल में उतर जाती है, उसकी निगाह ही में काम हो जाता है, ये वलियों की बात होती है। और जो वलियों के सरदार बल्कि अम्मी जान हो, फातिमा ज़हरा हो, कहा कि उनकी चादर ने वो काम कर दिया, उस पाकीज़ा चादर को जब शमू ने देखा है तो ऐसी उसके दिल की कैफ़ियत बदली है, कहा लगता है ये वही चादर है जिसके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात में जिक्र है, ये वही चादर है, वही घराना है, का खुदा की कसम, उस खुदा बरकत की कसम जिसने मूसा को बनाया है, लगता है ये मोहम्मद की बेटी की चादर है, मैं इस्लाम को बोल दूंगा। यानी बीबी फातिमा ज़हरा की चादर ने ही यहूदी को कलमा पढ़ा दिया। अल्लाह क्या तुम्हारा अखलाक ऐसा है, तुम्हारी जबान ऐसी है कि तुम्हारी जबान से गैर मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, बीबी फातिमा ज़हरा की उस चादर पाक ने यहूदी को मुसलमान कर दिया, यहूदी ने जौ भी दे दी और एहतराम के साथ चादर लपेट कर कहा कि फातिमा ज़हरा को मेरा सलाम कहना, का ये चादर को एवज में देने की है, ये चादर मैं आपको रिटर्न करता हूँ। और ये वाक्य जब सलमान फारसी ने पूरा बयान किया, वो रोटियां जब फातिमा ज़हरा के पास जौ आया, फातिमा ज़हरा ने किसी और के लिए बनू सुलेम के आदमी के लिए जौ से जो है वो चक्की पीस कर जो है रोटी तैयार की, रोटियां तैयार करके जो है सलमान फारसी ने कहा जल्दी जाओ पहुंचाओ उस आदमी को, रसूल पाक के भाग रोटी खिलाओ। तो सलमान फारसी भी ज़हरा ज़हीन थे, अहले बैत के खादिम और मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने कहा कि फातिमा ज़हरा अपने घर के लिए तो कुछ रख ले, अपने घर के लिए तो कुछ रख ले, का चादर जब मैंने दी थी उस वक्त नियत की थी कि सब कुछ राह खुदा में लुटाने आए, सब कुछ राह खुदा में, ये जो मैंने लिया था चादर देकर राह खुदा में देने के लिए दिया था, इसमें से कुछ रख लूं मेरा दिल ये गवारा नहीं करता, ये का सारा मेरे वालिद की खिदमत में दे दो। अब जब रसूल पाक की खिदमत में ये बात रखी, रसूल पाक बहुत खुश हुए कि कहा कि कैसा क्या है तो? फातिमा ज़हरा की क्या शान है। रसूल पाक फौरन वो मामला निपटाकर मेहमान को खाना खिलाकर रसूल पाक पहुंचे तो क्या देखा, 3 दिन की भूखी अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा का चेहरा देखा तो चेहरा भूख की वजह से, हालांकि दुआ दे चुके थे,
दुआ की वो तकलीफ भी नहीं हुई, हम जैसे आदमी तो गिर ही जाते। तो फातिमा जहरा को यूं कोई वो नहीं दी, लेकिन जाहिर एक इंसान के नेचर में जो है उसकी वजह से चेहरा पीला पड़ चुका था, जिस्म में कमजोरी आ चुकी थी, तब खाना नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली जाहिर है कि वो तो हिजरत तो होनी है। रसूल पाक ने देखा तो दुआ भी क्या की है कि अल्लाह ताला के फातिमा तेरी बंदी है, तू भी इससे राजी हो, फातिमा तेरी बंदी है तू उससे राजी हो, यानी हमारा खानदान जो कुर्बानी दे रहा है तुझे राजी करने के लिए दे रहा है, अल्लाह ताला तू उससे राजी हो जा। कैसे अजीम घराने अल्लाह ताला ने कैसी अजमत इनको अता फरमाई है, बड़ा जन्नतुल मकीम आपकी तदफीन हुई, किसने नमाज जनाजा पढ़ाई उसमें 5 मिनट और लगेंगे, बड़े पूरा तबील वाकया है। एक और ये जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो जन्नतुल बकी ही में आपने मकान बना लिया, जन्नतुल बकी ही में अली ने घर बनाया, वहीं पर आपने 6 महीने बैतुल हुज़न, आपने अपने वालिद रसूल पाक को बहुत याद किया और वहीं पर जो आपका विसाल हुआ। एक और ये भी है कि आपके घर ही में आपकी तदफीन हुई, एक और ये भी मिलता है, मस्जिद नबी में रहती थी और कहते हैं मस्जिद नबी ही में आपकी तदफीन हुई, आप कभी निकली नहीं घर से बाहर। और एक और ये कि रात भी में ले गए थे, सही बात यह कि जन्नतुल बकी में आकर बुजुर्गों ने अपना कष्ट जो किया है और जो रिवायतें मिलती हैं उसमें यही बात ऑथेंटिक है कि जन्नतुल बकी में मजार शरीफ है, लेकिन एक कौल ऐसा भी है कि गालिबन मस्जिद नबी के अंदर भी है, अल्लाह बेहतर जानता है। सही तरीक बात यह कि जन्नतुल बकी में नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, किस तरह गुस्ल दिया, क्या मामला हुआ, एक तवील उनवान है, लेकिन मेरा अल्लाह ताला ने इस अजीम खातून को बड़ा ही मतलब अता फरमाया, हम उनकी फजीलत बयान करेंगे हमारी कहां का। बस अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इनका मकाम मकाम है फातिमा जहरा के हुजूर जानते हैं, इनकी असलत इनका मकाम तो हम क्या बयान कर सकते हैं, असल हकीकत तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही जानते हैं, जिनको रसूल पाक ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमा दिया। जब माएँ ऐसी होती हैं तो उन्हीं की गोद से हसन और हुसैन जैसे अजीम लोग पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आपके जिक्र पाक की बरकतें अता फरमाए। अभी बहुत बातें आपकी बाकी हैं, इंशाल्लाह अगले साल मौका लगे और अगर हम दूसरी बात करेंगे, आपकी सखावत कैसी है, आपकी जिंदगी कैसी है, निकाह कैसे हुआ, रसूल पाक से आपकी क्या क्या बातें होती थी, वो सारी एक अलग चैप्टर है इंशाल्लाह। 25 पॉइंट्स में है, अगले इंशाल्लाह नशिस्त में 26 पॉइंट्स है, अगले साल मौका लगा तो इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। कल दूसरे टॉपिक पर गुफ्तगू होगी, आप जो आते हैं माशाल्लाह पाबंदी से हैं और दूसरों को भी दावत दें, एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह फातिहा।